जिहड़ा मेला जी 1100 साल पुराना लगता आ रहा, जे पता करदे आं तां प्राचीन मंदिर आ जी बाबा सिद्ध सुलखण ते गुग्गा जहरपीर की याद में मेला लगता वा। यह 9वें महीने की जो सराध स्टार्ट होंदे आ 7 दिनों लई मेला लाया जाता, 7 दिनों लई कहण नूं आ, पर यह मेला 15 दिन खूब भरदा खूब चलता। यह मेला सभ्याचारक का प्रतीक आ, जिथे गिद्धे भंगड़े कुड़ते चादरे झूठे मधाणियां मखणियां सारा कुछ दिखाया जाता वा, लोगों को सभ्याचार नाल जोड़ा जाता वा। तो लोग इत्थे बाबा जी की आके सेवा करते, भंडारा छकते आ, जो ये भंडारा लाया जाता वा असीं भंडारा 10 दिन लई लाउने आ जी। ये खीर पूड़े छोले पूरियां न्यूडल बर्गर जिहड़े भी बच्चे चीज़ खाण नूं पसंद करते आ, असीं 25 तों 30 प्रकार दे इहदे विच भोजन बनाउने आ जिहड़ा अटुट वरतदा 24 घंटे 10 दिनां लई जी। जी इत जिन्स मिट्टी कढ़ते हैं ना जी, ज़्यादातर बाबा जी जो बाबा सिद्ध सुलखण जी ने जट परिवार तो बिलोंग करते, जिनी भी जट बरादरी आ जो खेती करता बंदा कोई भी कास्ट का, वो इतने आके मत्था टेकता बाबा जी ने, मिट्टी कढ़ता वा। जो मिट्टी के पहली फसल पाँगा तो अर्ज करता भी ये बाबा लोकेशिप रही खेतों के दिखाई ना नहीं, क्योंकि बाबा जी के भरा गुग्गा जहरवीर सप्प के रूप के उन्होंने जन्म लिया इस पिंड के। पिंड का नौ अज तो 1100 साल पहला सप्पा राणी सी, जिथे दो भरावान ने जन्म लिया, एक बाबा सिद्ध सुलखण जी ने एक सप्प के रूप के, वो लोग अर्ज करते भी बाबा लोकेशिप रही, जे किसी कोई घर की प्रॉब्लम दिक्कत परेशानी होंगी वह भी कढ़ता सुख सुख के जाता भी अगले साल मिट्टी कढ के जाऊँगा बाबा मेरा काम हो जाए। नहीं इस बार भी नहीं लगन गया जी, क्योंकि जो बंदा कोई रैली जाऊगा तो एज ए रैली का परपर लेके आता गड्डिया बैठ के, लेकिन जोड़े हूँ संगत आ रही है सिर्फ श्रद्धा से श्रद्धालु आ रहे हैं जोड़े बाबा जी के दर्शन करते हैं भंडारे छकते। गोगा साहब के नाते गोगा पीर दे, हाँ जी, इन्हों का हड मेन है अपने राजस्थान के ना, जगह का ना नहीं मैं पता, लेकिन मेन उत्थे है। उस तो बाद टिब्बे भी है होर बहुत सारिया, मतलब इतने हर साल आने फर्क तो हम अगे इतने मिट्टी पई होंगी जी वो उतों लग जाते कढ़न, हूँ कणक है कणक के उत्ते उपर मिट्टी भी पई है बिच कट के अगला तुर जाना मत्था टेकदा करता था मत्था टेकन की गुग्गा जहरपीर चीज़ नहीं हैगी, पहला सभ्याचार खत्म होता।